टॉपिक का नाम है बैटरीज इन सीरीज एंड पैरेलल। जैसे हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस होती हैं सीरीज में कुछ पैरेलल में, हम क्या करते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगर सीरीज में है तो उनको ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, अगर पैरेलल में है तो फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालते हैं। उसी तरीके से बैटरीज का भी सेम कॉन्सेप्ट है। बैटरीज या तो आपको एक सर्किट में सीरीज में गिवन होंगी या कुछ बैटरीज आपको पैरेलल में गिवन होंगी, तो आप अपना काम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप दो या तीन बैटरीज की जगह एक बैटरी ना लगाएं, क्योंकि आपको आदत है एक बैटरी में काम करने की। तो हम क्या करेंगे, बैटरीज इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जैसे सपोज करो आपके पास इस डायग्राम में दो बैटरीज हैं, एक बैटरी है E1, एक बैटरी E2, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी साथ में कनेक्टेड है, कितनी, कैपिटल R। तो डायग्राम है, आपको इसमें क्या करना है, दो बैटरीज की जगह अगर मैं एक बैटरी लगाऊं तो मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि इक्विवेलेंट बैटरी की EMF क्या होगी। जब दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, और ऐसी हम केस करेंगे जब दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल में। तो मान लो पहला केस है सीरीज में, बैटरी सीरीज में तब सही मानी जाती है कनेक्टेड है जब बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मैं ऐसा भी कनेक्ट कर सकता था पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर उल्टी बैटरीज हो जाती, ऑपोजिशन में हो जाती। इसके अंदर बिल्कुल सही कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर एक बैटरी सीधी है पॉजिटिव नेगेटिव और यहां से नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस केस में हम बोलते हैं कि बैटरीज ऑपोजिशन में। क्या करना है उसमें अभी बताता हूं, पर इस केस में क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप टोटल EMF को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप दोनों की EMF को ऐड करके E1 प्लस E2 निकाल सकते हैं, पर लेकिन इसको करने के लिए, इसका प्रूफ करने के लिए कि क्या करना है, इसके लिए मैंने ये माना कि मान लो इसमें कितना करंट बाहर निकला I, बैटरी का क्या रूल है कि जितना करंट बाहर निकलेगा एंटर भी पीछे से उतना ही करेगा, तो I करंट आया, या I करंट आया, I करंट एंटर कर गया, तो नेगेटिव टर्मिनल में कितना करंट एंटर कर गया I, तो पॉजिटिव से भी कितना निकलेगा I, तो इसका मतलब ये पूरा करंट आए पूरे सर्किट में घूमने वाला है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो आई करंट पूरा सर्कुलेट होगा पूरे सर्किट में, कोई डाउट इसमें। अब अगर मैं इसमें किरचॉफ का लॉ लगाऊं, हमने किया था सेकंड लॉ, लूप लॉ, क्या था, मान लो यहां पे लगाता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, जब मैं करंट की डायरेक्शन में जाता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस I इंटू कैपिटल R। फिर मैं कहां पर आऊंगा, करंट की डायरेक्शन में आऊंगा, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस I इंटू R2। फिर मैं माइनस से प्लस पे जाऊंगा, जब मैं माइनस से प्लस पे जाता हूं, लोअर से हायर पोटेंशियल पे जाता हूं, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे प्लस E2। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस I इंटू R1। फिर माइनस से प्लस पे जा रहा हूं, माइनस से प्लस का मतलब प्लस E1, और नेट सम क्या आएगा, इक्वल टू 0। तो आपने इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा दिया, सेकेंड लॉ लगा के करंट वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करके आपने करंट निकाल दिया। अब हमने ये सीखा हुआ है जो टोटल करंट होता है वो क्या होता है, टोटल करंट होता है टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि दो बैटरीज की टोटल EMF की वैल्यू कितनी आई, E1 प्लस E2। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो जो चीज़ मैंने ओरली वैसी बता दी थी E1 प्लस E2, पर यहाँ पर मैंने आपको किरचॉफ लॉ से प्रूव करके बताया कि टोटल रेजिस्टेंस E1 प्लस E2 एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब क्योंकि दो बैटरी सीरीज में है तो टोटल, जब दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगेगी तो जो नई बैटरी होगी उसकी रेजिस्टेंस इंटरनल क्या होगी, R1 प्लस R2, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। और बैटरी की EMF क्या होगी, सिंगल बैटरी की E1 प्लस E2 होगी। तो बैटरी की EMF E1 प्लस E2 होगी और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपको सिर्फ यही चीज़ बताता है। तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगी, E1 प्लस E2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये वैसे ही क्लियर है। अब अगर बैटरी उल्टी कनेक्टेड है, जैसे डायग्राम तो सेम है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, लेकिन ऐसा कनेक्शन है कि ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये माइनस है और ये प्लस है, ये E1 है और ये E2 है, तो ऐसे केस में आप EMF ऐड नहीं करेंगे। आप इसमें क्या करेंगे, या तो E1 में से E2 माइनस करेंगे या E2 में से E1 माइनस करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे,
बड़ी ईएमएफ में से छोटी ईएमएफ को आपने माइनस करना है, तो मैंने यहाँ पर साइन क्या लगा दिया, मॉड, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे सिंपली। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? और सोचो अगर बैटरीज उल्टी कनेक्टेड है और ईएमएफ बराबर है तो फिर नेट ईएमएफ क्या आएगा, ई में से ई गया जीरो, तो उस केस में उसमें कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि दो बैटरीज इक्वल आइडेंटिकल बैटरीज अगर ऑपोजिशन में होती हैं तो वो करंट जो है जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या करना है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मान लो अब ये दो बैटरीज पैरेलल में हैं, E1 R1, E2 विद R2 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R। मैं ये चाहता हूँ कि दो बैटरीज की जगह मैं एक बैटरी लगाऊँ, दो बैटरीज की जगह मैं एक बैटरी लगाऊँ और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। तो एक काम करेंगे, इसको करने के लिए आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए प्रूफ है, आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, दैट सेट। तो लेकिन आपको समझाने के लिए से बता रहा हूँ कि इसने कैसे किया। तो आप इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएं, किस में लगाएं, पहले आप ये वाला डायग्राम लें, लेकिन डायग्राम से भी पहले एक और काम कर लेते हैं। मान लेते हैं इस बैटरी ने कितना करंट बाहर निकाला I1, इस बैटरी ने कितना करंट बाहर निकाला I2, और दोनों करंट्स मिल गए, मिलके टोटल करंट कितना आया, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। तो I का मतलब यहाँ पर क्या है, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 I करंट यहाँ पर आया, फिर डिवाइड हो गया, क्योंकि इसने I1 करंट बाहर निकाला था तो यहाँ पर भी क्या एंटर करेगा, I1। इसने I2 निकाला था तो I2। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, I1 प्लस I2 करंट गया और पीछे से भी I1 प्लस I2 करंट आ गया, कोई डाउट इसमें? तो अब इस केस में अगर मैं किरचॉफ का लॉ लगाऊं, किस में, पहले ये वाला लूप लेंगे, आउटर लूप ओनली, जिसमें बैटरी नंबर 1 आती है बस, इसके अंदर जब मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस आई इंटू कैपिटल आर, फिर मैं यहां से जा रहा हूं माइनस I1 इंटू R1, यहां पे चेक करो, ये देखो माइनस आई इंटू कैपिटल आर, यहां से माइनस आई इंटू माइनस I1 इंटू R1, माइनस से प्लस पे जा रहा हूं तो प्लस E1 इक्वल टू जीरो। तो मैंने किरचॉफ का लॉ लगाया, फिर दूसरा लॉ मैंने यहां लगाया, नीचे वाले डायग्राम में लगाया, कौन से, बस इसमें लगाया, बस ये देखो इसमें लगाना है, ये भी लूप है, तो इसमें कितना करंट है I2। तो स्टार्ट करें, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस I इंटू R, फिर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस R2 इंटू I2, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं प्लस E2 इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने किरचॉफ का लॉ लगाया और दो इक्वेशंस बना ली, आपने नहीं बनानी, आपको कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं कि कैसे बना रिजल्ट। तो दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को आपने एक के नीचे एक रख लिया, लिख लिया, फिर आपने ऊपर वाली इक्वेशन को दोनों साइड्स को R2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली इक्वेशन को R1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये दो नई इक्वेशंस आ गई, मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने इन्हें ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये इक्वेशन आई जिसमें I वाली टर्म एक तरफ, ये कॉमन वाली टर्म्स एक तरफ, इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करके कुछ ऐसा टर्म आया, क्योंकि मेरे को इसमें I निकालना है तो इसमें से भी मैंने I कॉमन निकाल लिया, इसको इसके नीचे ले गए और फाइनल रिजल्ट पे आते हैं, वो कैलकुलेशन आपसे कोई पूछ नहीं रहा, फाइनल ये करंट आ गया। तो करंट होता क्या है, करंट होता है टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन एक काम करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बोलो क्या होगी, इसमें ये दो सेल्स किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, और अगर ये पैरेलल में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इसमें, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगी इसमें, आर। तो यही इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मेरा रिजल्ट इस फॉर्म में अभी आया नहीं था, अभी आया नहीं। एक और एक्स्ट्रा स्टेप है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को R1 प्लस R2 से डिवाइड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको भी कर लिया। डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये टर्म कट जाएगी, 1 हो जाएगा, ये R बच गया, और इसको R1 प्लस R2 से डिवाइड कर लिया। अब बात बन रही है कैसे, क्योंकि करंट निकला, करंट के डिनोमिनेटर में क्या आया, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो ये फॉर्मूला बन गया कि अगर बैटरीज पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का ये फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर आपकी बैटरीज आज के बाद दो बैटरीज पैरेलल में है, दो बैटरीज पैरेलल में है,
ईएमएफ पहली बैटरी की E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड बैटरी E2, रेजिस्टेंस R2। दो बैटरी की जगह जब आप एक बैटरी लगाएंगे तो उसकी ईएमएफ क्या लिखेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कोई डाउट इसमें? तो आपको E1 R1 E2 R2 सब गिवन होगा, आप इक्विवेलेंट ईएमएफ को निकाल सकते हैं। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक और शॉर्टकट है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को R1 into R2 से डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो और इसको भी कर दो। तो हर टर्म को R1 R2 से डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। मेरे को ये फॉर्मूला तब बेनिफिशियल लगता है, बात एक ही है, ये करो या ये फॉर्मूला करो एक ही बात है, पर मेरे को ये फॉर्मूला तब बेनिफिशियल लगता है जब आपके पास दो से ज़्यादा बैटरीज होंगी। देखो अगर दो बैटरीज की बने क्वेश्चन में फिर तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बात खत्म, आप ये फॉर्मूला लगाओ, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल दो, खत्म। लेकिन कल को अगर तीन बैटरीज होंगी ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको E3 तक फॉर्मूला पता ही नहीं क्या लगेगा। फिर अगर 3-4 बैटरीज होंगी फिर ये लगाना E1 by R2 आएगा, यहाँ पे करेक्शन है, E2 by R2। अगर मान लो तीसरी बैटरी भी होती तो E3 by R3, चौथी होती E4 by R4, डिवाइडेड बाय 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 by R4। तो ये रिजल्ट एक्सपेंडेबल है, ये रिजल्ट एक्सपेंडेबल नहीं है। तो आपके पास अगर दो बैटरीज हैं फिर तो आप दो देखो लगा जो मर्जी लो, ये भी लगाओ ये जो मर्जी लगा लो, लेकिन जब दो बैटरीज हैं तो ये एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है। जब तीन बैटरीज हैं फिर ये नहीं चलेगा, फिर सिर्फ यही चलेगा। तो क्लियर है यहाँ तक? और अगर बैटरीज पैरेलल में हैं तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही पैरेलल का 1 by R1, 1 by R2 का ही लगेगा। तो रिजल्ट क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? रिजल्ट क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसे लगाएंगे, इसको लगा के देखते हैं न्यूमेरिकल्स में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो इसको कैसे लगाना है। ठीक, तो इसमें जिस बार मेंस का पेपर आया आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में रिव्यूज़ पढ़े होंगे, गूगल पे पढ़ लिया, सबसे आसान मुश्किल मॉडरेट काफ़ियों के रिव्यूज़ आए हैं। मेरे को फिजिक्स का पता है, फिजिक्स के अंदर सिंपल और मॉडरेट आया है, मानोगे आप अगर मेरी शीट्स भी कर जाओगे ना, सिर्फ शीट्स तो भी क्लियर हो, सीधे सीधे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलते रहा हूँ, कैपेसिटर का क्वेश्चन आया है, एक कैपेसिटर है, डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, D/2 कैपेसिटेंस बोलो क्या होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ऐसा क्वेश्चन आया है आप सोच भी नहीं सकते, इतना आसान, दो सीरीज में एक पैरेलल में डन, खत्म हो गया NCERT में से, शीट में से सीधा। तो मुझे नहीं पता इस बार उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर बार मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन आता है, मॉडरेट आया, ये भी नहीं कि सारे ऐसे आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का आना भी एक बहुत बड़ी बात है, स्टूडेंट को मोटिवेट करता है कि नहीं यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मतलब ऐसे आएंगे 5-7 तो मैं भी उड़ाई दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी कुछ और मेहनत करूँगा तो 15-18 तो ले ही आऊँगा। तो इतना मुश्किल पेपर नहीं है। तो मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर देखो कई साल ऐसे होते हैं जब फिजिक्स भी मुश्किल आती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पेपर में ऐसा हुआ दूसरे में भी फिजिक्स में से मॉडरेट आती है, ऐसा है नहीं। पर हाँ इस बार जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया, मैथ्स लोगों को मैंने सुना है कि लिखा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने, मुश्किल नहीं था, उन्होंने लंबा लिखा, लेंथी लिखा शायद पेपर, टाइम लग रहा था सॉल्व करने में, और केमिस्ट्री ठीक इजी और मॉडरेट के बीच में है, फिजिक्स इजी मॉडरेट, मैथ्स में हमेशा ही टाइम लगता है, ये सबको पता ही है यार, मैथ्स कुछ चलता फिरता ये तो है नहीं कि आपने कर दिया, मेहनत मांगता है, फिजिक्स भी मेहनत मांगती है, केमिस्ट्री भी, तीनों सब्जेक्ट जितने जो मेहनत करेगा वैसे उसका रिजल्ट आएगा। तो मैंने आपको बता दिया ये कंप्लीट एनालिसिस है, बाकी जो पेपर्स आएंगे अभी तो आ रहे हैं पेपर्स, किताब आ जाएगी 2 महीने में इसकी। तो मैंने यही सोचा है कि 2020-21 तो आपको क्लासेस साथ ही करवा देंगे, और जो 22 का पेपर है वो दिसंबर जनवरी में कर लेंगे, उतना ही हो पाएगा, 2 महीने में ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा, काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, तो उससे अपना फिर उसके बाद टेस्टिंग पे आ जाएंगे। तो यही प्लान है और इस तरीके से हमारी तैयारी हो जाएगी। तो आपको बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते, आज रिपोर्ट कार्ड सेंड किए हैं मैंने काफ़ी लोगों, अब आई होंगी सब, काफ़ी उनके पेरेंट्स भी शायद दिखा रहे होंगे मुझे पता नहीं, तो उसमें कई लोगों ने मिस किए हैं टेस्ट। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट मिस कर रहे हैं आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, मतलब मुझे पता नहीं कैसे। ऑनलाइन टेस्ट मिस करने का मतलब कई लोग सोचते हैं कि 25 क्वेश्चन ही तो है मिस कर दिए क्या हो गया, नहीं वो 25 क्वेश्चन नहीं है, वो जो तैयारी लग रही थी ना एक हफ्ते की वो आपने मिस कर दी,
वो टेस्ट एक घंटे का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को भी पता है कुछ नहीं है 25 क्वेश्चन में, जो मर्जी आप कुछ भी ना करो, जाके एबीसी सीसी कराओ, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, तब भी 5-7 नंबर तो फिर भी स्कोर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, वो मेरे को भी पता है और वो पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी पता है कि वो कितनी ईमानदारी से टेस्ट देगा और वो ईमानदारी से नंबर लेगा, वही उसके नंबर होंगे। अपना अपना लेवल है, अपनी अपनी सोच है और वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसी आपकी सोच होगी, ये मैं आपको बता दूँगा। आप शॉर्टकट मारोगे आपका रिजल्ट भी शॉर्टकट मार जाएगा, कुछ नहीं आएगा। आप मेहनत करोगे आपका रिजल्ट भी बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक। तो आप सही तरीके से करो काम। मैंने आपको बताया कि बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो मैं क्लास में डिस्कस भी नहीं करता, मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग में तो बहुत टफ क्वेश्चन थे, वो तो मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पिछले 3-4 साल से जो मैं देख रहा हूँ पेपर, बहुत हाई लेवल बहुत मुश्किल पेपर्स आ भी नहीं रहे। कभी कभी रिकॉर्डिंग में डाल रखे हैं मैंने, जैसे सॉलिड एंगल भी बताया था मैंने, वो उतना आ भी नहीं रहा। ऐसे कई वीडियो और भी आएंगे अभी देखना जिसके अंदर कुछ अलग ही लेवल है, लेकिन वो ठीक है, आप ऑप्शनल सुन सकते हो। लेकिन अगर आप एक मॉडरेट लेवल की बात करते हो तो मॉडरेट लेवल ऐसे ही मॉडरेट लेवल होता है सेम, राइट। तो आप प्लीज़ तैयारी करो, आप इसको लाइटली मत लो, टाइम बहुत कम है हमारे पास। अब जुलाई स्टार्ट हो गया, 7-8 महीने रह गए टोटल, दिसंबर में अगर आप शुरू करोगे 100% आपकी सिलेक्शन नहीं होती पक्का। ठीक है यार, जिस जो अब नहीं शुरू कर रहा है दिसंबर में, 3 महीने में क्या कर लेगा, जो 8 महीने 2 साल में नहीं किया 2 महीने में क्या, कुछ नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, प्लस टू को सही तरीके से कर लो, प्लस टू दिसंबर तक सही लैंड करवा दो। हाँ 2 महीने में प्लस वन हो सकती है, वो फिर भी हो सकता है कि चलो एटलीस्ट मेन चैप्टर्स हम वॉल्यूम टू भी कर जाएं तो भी हम पार हो जाएंगे। पर ये नहीं हो सकता मैं प्लस टू भी ना करूं, मैं प्लस वन भी ना करूं और मैं ये सोचूं कि मेरा रिजल्ट भी बढ़िया आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक। तो मेहनत करो और इसको क्वेश्चन को ट्राई करो। तो यहाँ तक क्लियर है, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम एक काम करते हैं इसके ऊपर, सब्जेक्टिव शीट नंबर 12, सब्जेक्टिव शीट नंबर 12 पे चलते हैं। अभी काफी लोगों ने SHM वेव भी किया होगा, SHM किया, कितने लोगों ने ट्राई किया SHM वेव्स, कर लिया रिवाइज कर लिया, ठीक है अच्छी बात है, किया SHM वेव्स। उसके पुराने पेपर देखे आप लोगों ने, अगर आप ओवरऑल देखो तो 80% पेपर बहुत मुश्किल नहीं लगा होगा आपको। देखो 20% तो रहेगा ही रहेगा, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ये भी नहीं है कि सारा कुछ ही ऐसा होता नहीं है, 2-4 तो प्रॉब्लम रहती रहती हैं, बट ओवरऑल अगर आपने देखा हो तो बहुत टफ टाइप क्वेश्चंस नहीं आते, 80% या 75% पेपर नॉर्मली आता है। ऐसी मैं वेव्स का दूंगा, ऐसी थर्मोडायनेमिक्स का दूंगा, तो जो जो प्लस वन साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हैं वो प्लीज़ दो इन 2-3 चैप्टर्स को मैंने बोला था वो एटलीस्ट करके रखें। ये 3 भी अगर आपने अभी कवर कर दिए या 1 महीने में कवर कर दिए तो भी बहुत आराम हो जाएगा, तब भी 3 उस टाइम कर लेंगे दिसंबर में, 3 जनवरी में कर लिए, 3 अब कर लिए, 9 हो गए, डन हो गया बस खत्म प्लस वन और क्या चाहिए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं शीट नंबर 17। ये शीट के अंदर इक्विवेलेंट ईएमएफ के न्यूमेरिकल्स गिवन है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ सेल्स गिवन है, 3 सेल्स गिवन है, ये पहला सेल है 2 वोल्ट जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेकंड सेल 1.2 जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.7 है, थर्ड 1.5 वोल्ट जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 गिवन है, क्लियर है। बोलो ये किस में कनेक्टेड, सीरीज की पैरेलल, ये सीरीज में है और सीरीज में है सीधे कनेक्टेड के कोई उल्टा भी कनेक्टेड है, चेक करें, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सीक्वेंस एकदम बराबर चल रहा है, तो यानी कि सब सीधे कनेक्टेड है। जब सीधे कनेक्टेड है तो ये 3 सेल्स की जगह पे एक सेल लगेगा तो उसकी टोटल ईएमएफ क्या आएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3, क्लियर है यहां तक। तो इस केस में जब ये सेल सीरीज में होंगे तो टोटल ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस E3 आएगा, राइट। और टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस में R1 प्लस R2 प्लस R3 और एक्सटर्नल भी ऐड होगी, कितनी, 4। तो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर 4 भी ऐड कर लेना, सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, क्लियर है यहां तक। वो पूछ रहा है टोटल करंट कितना बाहर निकलेगा बैटरीज में से, टोटल करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ है टोटल रेजिस्टेंस है आंसर। अब सोचो सेम क्वेश्चन है, एक सेल उल्टा कनेक्टेड होता तो क्या होता, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होती, E1 प्लस E2 माइनस E3, जो उल्टा कनेक्टेड है वो माइनस कर देंगे, क्लियर हो गया। और उल्टा भी नहीं कनेक्टेड, ऐसे बोलना चाहिए कि जो सीधे कनेक्टेड हैं उनकी ईएमएफ अलग कैलकुलेट कर लो,
जो उल्टा कनेक्टेड है उनकी अलग कैलकुलेट कर लो, बड़े में से छोटी को माइनस करना, ईएमएफ नेगेटिव नहीं आएगी, ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और टोटल रेजिस्टेंस, अगर एक सेल उल्टा भी कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री वो सीरीज में ही रहेंगी। अगर कोई सेल बीच में उल्टा भी कनेक्टेड है, आप मॉड ले लेना, क्या फर्क पड़ रहा है, दो एक जैसे हैं एक अलग है ना, तो जो एक जैसे हैं उनकी एमएफ ऐड कर लो, जो अलग है उनकी अलग रख लो, दोनों को माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस करना है, नेगेटिव नहीं निकालना, बात खत्म, क्लियर है। और अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता, किरचॉफ लॉ लगा दो यार, खत्म, करंट निकाल लो जो उल्टा सीधा, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर दो सेल्स हैं, अगर तो सीधे कनेक्टेड हैं फिर तो E प्लस ई, और अगर एक सीधा एक उल्टा कनेक्टेड है तो E माइनस ई, फिर नहीं फ्लो करेगा। तो EMF इक्वल होगी तो एक E है एक E है एक E है, अगर सीधे कनेक्टेड है तो थ्री है थ्री ई, अगर एक उल्टा कनेक्टेड है तो टू ई माइनस ई ई, वो तो बोल रहा हूँ ना, बड़े में से छोटा माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, राइट। तो इसमें टोटल करंट आ जाएगा। अब वो एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में भी ये कह रहा है कि अगर मान लो ये जो सेल्स हैं वो किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में, तो करंट क्या होता। तो एक काम करें, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो इस केस में ये बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या होती पैरेलल में, क्या फॉर्मूला लगाते हम, ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू प्लस ई थ्री बाय डिवाइडेड बाय वन बाय R1, 1 by R2, 1 by R3, सॉल्व करके पहले EMF आती, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आती, 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, वहां से R की वैल्यू आती, फिर वहां से करंट आता, टोटल EMF by टोटल रेजिस्टेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, इसको और बेटर समझने के लिए इस क्वेश्चन के अलावा हम अगला क्वेश्चन ही कर लेते हैं, तो एकदम पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है टू आइडेंटिकल बैटरीज, तो दो आइडेंटिकल बैटरीज हैं, ये रही आइडेंटिकल का मतलब दोनों की ईएमएफ भी सेम है और दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है, तो ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। और एक दो रेजिस्टेंसेस और हैं एक्सटर्नल, वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ये डायग्राम आपको गिवन है। ईएमएफ बैटरी की कितनी है, 1.5 वोल्ट है, ये भी क्लियर है। अब वो कहते हैं कि जब इनमें से करंट बाहर निकलता है, जब इस बैटरी में से करंट बाहर निकलता है तो ईएमएफ वैसे तो 1.5 वोल्ट की है, लेकिन जब करंट बाहर निकलता है, क्योंकि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो उस केस में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट की से थोड़ा गिर जाता है, कितना हो जाता है, 1.4 वोल्ट हो जाता है। इस 1.4 वोल्ट का नाम क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1.5 क्या है, ईएमएफ, 1.4 क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और फॉर्मूला क्या होता है वी और ई का, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये भी हमने किया हुआ है। और हमने ये भी किया हुआ है ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस में आपको ई और वी का कॉन्सेप्ट गिवन हो, जिन क्वेश्चन में आपको E और V दोनों का कॉन्सेप्ट गिवन हो, तो हमने ऐसा किया कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, पहला फॉर्मूला। और मैंने आपको लास्ट टाइम एक और फॉर्मूला करवाया था कि स्मॉल R कैलकुलेट करने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिखवाया भी था लास्ट क्लास में, तो ये फॉर्मूला आज काम आएगा कि जिन क्वेश्चन में E गिवन होता है, V गिवन होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R गिवन होता है, और सीधा वहां से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। क्लियर है यहां तक? तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है मुझे, इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि मुझे इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, मुझे इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, इसे आसान करते हैं थोड़ा सा, ये 17 और 17 किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, तो आंसर क्या आएगा, 8.5। ये दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, तो मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, E1 R2, E2 R1, R1 प्लस R2। तो इसके अंदर
EMF पता है आपको 1.5 इंटरनल आर है, 1.5 इंटरनल आर आर पुट करके सॉल्व करके आंसर फिर से क्या आ गया 1.5, कैंसिल करने के बाद आंसर फिर से क्या आ गया 1.5। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो एक ना शॉर्टकट याद रखेंगे, अगर आपके पास आइडेंटिकल सेल्स हैं, दो हैं, 200 हैं और पैरेलल में हैं और सबकी ईएमएफ सेम है, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो आपको ये इक्विवेलेंट ईएमएफ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर 1.5 ही आएगा, शॉर्टकट है। कब? जब आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल नहीं है, E1 E2 डिफरेंट है या R1 R2 डिफरेंट है, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इक्विवेलेंट ईएमएफ सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप सीधा 1.5 आंसर बोल देना। क्लियर है? तो इसमें ये 8.5 है, इन दो बैटरीज की जगह मैं एक सेल लगा सकता हूँ कितना 1.5 का, और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, R और R किस में है, पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा R/2। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे अलग से बनाऊँ तो क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ कि ये आपके पास कितना हो गया 8.5 ओम। फिर मैंने कहा कि एक बैटरी दो की जगह एक बैटरी ले लेते हैं जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है R/2, 1/R, 1/R, R/2, जिसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी है 1.5 वोल्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैंने अपने डायग्राम को इजी कर लिया, इजी करके ये बना लिया। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि जब इस सर्किट में से करंट बाहर निकलता है तो जो ईएमएफ 1.5 वोल्ट है वो 1.5 नहीं रहती, वो यहाँ पर क्या हो जाती है 1.4 वोल्ट हो जाती है। तो आपको निकालना है इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितनी है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया क्या कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला भी करवाया मैंने। अब जो मेरा सेल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर नहीं है, कितनी है R/2। तो मैं इस सेल के लिए काम कर रहा हूं तो यहां पर स्मॉल आर नहीं होगा, यहां पर क्या पुट करेंगे R/2 इज इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर कितना है 8.5, ई कितना है 1.5, वी कितना है 1.4। तो सॉल्व करके आर कैन बी कैलकुलेटेड, ऐसे आंसर आएगा। तो स्टेप समझ में आ रहा है? पहले आप दो सेल्स की जगह एक सेल लगा लें, साथ की साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लें, फिर वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी कैलकुलेट, अब मान लो ये तीन सेल होते तो तीन सेल में ही R/3 हो जाता, चार सेल होते R/4 हो जाता, तो जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी इस सेल की वो आपने यहाँ पुट करते नहीं, यहाँ से R निकाल लेना है। क्या ये मेथड क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, तो इस केस में यहाँ से स्मॉल आर कैन बी कैलकुलेटेड, जब आप सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आएगी 1.2 ओम आंसर आ रहा है, राइट? तो एक काम करें, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, इसको ना देखें, अपना ही देखें कैसे करेंगे, क्वेश्चन रीड करें और ट्राई करें।
ठीक, तो पहला शॉर्टकट क्या है इसमें, चार बैटरीज हैं, आइडेंटिकल हैं। वैसे तो मैंने बोल दिया करने की जरूरत नहीं है, चार बैटरीज की जगह जब एक बैटरी लगेगी तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाया आपने, पर मैंने बताया था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आंसर फिर से क्या आएगा इसका, ई ही आएगा। तो चार की जगह एक बैटरी लगेगी ई की, और चारों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, आर बाई फोर। तो इसका मतलब, और ये 15-15 पैरेलल में तो क्या देगा, 7.5। तो इट मीन्स कि मेरे पास अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैंने चार बैटरी की जगह एक बैटरी लगा दी जिसकी इंटरनल कितनी है, आर बाय कितनी, फोर, चार थी ना तो स्मॉल आर बाय फोर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक एक्सटर्नल थी, बोलो एक्सटर्नल की वैल्यू क्या थी अभी, 7.5 ओम, राइट। ये सिचुएशन हो गई। कैपिटल ई की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल ई की वैल्यू देखो कितनी गिवन है, कैपिटल ई गिवन है 2 वोल्ट, और जब करंट बाहर निकलेगा तो 1.6 वोल्ट। तो ई कितना है, 2 वोल्ट, वी कितना है, 1.6 वोल्ट। तो वापस चलते हैं इसमें, तो इसमें ई की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट, और वी की वैल्यू कितनी है, 1.6 वोल्ट, राइट। यहां तक क्लियर है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है फिर से। तो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल आर इंटू ई माइनस वी माइनस वन होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर बाय फोर, एक्सटर्नल कितनी है इसमें, 7.5, कैपिटल ई कितना है इसमें, 2, वी कितना है इसमें, 1.6 माइनस 1। सॉल्व करें, आर चेक करें कितना आ रहा है, कितना, 7.5 यही आ रहा है, 7.5 हो। मेथड क्लियर है, सीरीज में तो वैसे कुछ नहीं करना, प्लस या माइनस करना है, पैरेलल में भी कुछ नहीं करना क्योंकि आइडेंटिकल बैटरी में वैसे ही आंसर आ जाएगा, आंसर ठीक है यहाँ तक। तो ये स्टेप आई होप सबको क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा 7.5 ओम ही आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है टू सेल्स E1 एंड E2 जिसकी EMF 4 और 8 वोल्ट है, ठीक है, 4 वोल्ट है और 8 वोल्ट है, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 एंड 1। तो इंटरनल कितनी है 0.5, इंटरनल कितनी है 1, आर कनेक्टेड इन ऑपोजिशन, यानी कि एक बैटरी सीधी तो एक बैटरी उल्टी करके लगानी पड़ेगी, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस, सीरीज में है लेकिन ऑपोजिशन, क्लियर है यहां तक। ये रहा, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 4.5, ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके साथ है, 4.5 के साथ एंड 3 ओम के साथ, 4.5 एंड 3 ओम के साथ, और फर्दर 3 ओम के साथ पैरेलल में 6 ओम है, 3 ओम के साथ पैरेलल में 6 ओम है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले तो सर्किट डायग्राम बनाओ। अब वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस पर डायग्राम ऑलरेडी बना ही होता है, पर नहीं बना तो मैंने बना दिया। अब वो कह रहे हैं इसमें करंट निकालो, तो निकालो इसमें करंट क्या होगा, दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगाओ पहले, तो बोलो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी इसमें, 8 में 4 ऐड करें कि सबट्रैक्ट करें, सबट्रैक्ट, क्योंकि एक बैटरी सीधी एक रिवर्स है, तो 8 में से 4 गया 4 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या करें दोनों की, ऐड रेजिस्टेंस होना सबट्रैक्ट होगी, तो इन दोनों बैटरीज में जब एक बैटरी बनेगी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 प्लस 0.5 1.5, राइट। और ये तो आप कर ही लोगे, ये आंसर 2 आएगा, 2 और 4.5 इन सीरीज, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर है, 4.5 के साथ 2 आ जाएगा सीरीज में, और जो इक्विवेलेंट बैटरी है 8 में से 4 गया क्या आएगा 4, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 1.5। वो पूछेगा करंट कितना है पूरे सर्किट में, करंट क्या है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितनी है 4, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इंटरनल कितनी है 1.5, एक्सटर्नल कितनी है 4.5 प्लस 2 आंसर। तो स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक कि टोटल करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है। जैसे ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट है क्वेश्चन का, 4 वोल्ट और 8 वोल्ट सेम क्वेश्चन है, और इसमें कुछ नहीं करना आपने, आप इसको देखें प्लीज,
इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। देखो इस क्वेश्चन में आपको दो बैटरीज गिवन है, ये पहली बैटरी है दूसरी बैटरी, किसमें कनेक्टेड, सीरीज की पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में ऑपोजिशन में है कि सेम ऑर्डर में है, ऑपोजिशन में, कैसे, ये छोटा टर्मिनल माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस प्लस प्लस माइनस तो उल्टा हो गया वैसे ही, तो ये ऑपोजिशन में है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, ए की ईएमएफ कितनी है, 2 वोल्ट, दूसरे की ईएमएफ कितनी है, 4 वोल्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें करंट कैलकुलेट करें, तो करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगाएं, तो दोनों में, दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, 4 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस, तो क्या आएगा, 2 वोल्ट, और इनकी रेजिस्टेंसेस को क्या करेंगे, ऐड, छोटी रेजिस्टेंस एक गिवन है 1 और एक गिवन है 2 क्वेश्चन में, तो इंटरनल क्या आएगी, 3, और एक्सटर्नल क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 5। अगर करंट निकालना है, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितनी है, 2, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल का सम कितना है, 8। आंसर क्या है, पॉइंट क्लियर है, एक आंसर तो आ गया। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, किस में, ए में और सी में, बी में और ए में, बी और ए में, ए और सी में। अब इसको करने के लिए पहले एक पॉइंट को समझते हैं, क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अगर मान लो आपके पास एक ऐसी वायर है जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम है क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, राइट। पर लेकिन अगर आपके पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है और जिसमें करंट भी जा रहा है, भाई करंट तो तभी जाएगा ना, व्हेन वन पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, सेकंड पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल, और करंट कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर करंट राइट जा रहा है तो एटलीस्ट मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ कि ए पोटेंशियल हायर है और बी पोटेंशियल इसमें लोअर है, तभी तो करंट जा रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब मैं ये चाहता हूँ कि वी ए एक इक्वेशन बनाना चाहता हूँ VA की और VB की, मैं एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना चाहता हूँ जिसमें VA और VB एक इक्वेशन का पार्ट हो। हाँ, ये मुझे पक्का पता है इस सर्किट में VA इज नॉट इक्वल टू VB, ये पता है, VA बड़ा है VB छोटा है, VA में से कुछ अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए हाँ फिर वो VB के इक्वल हो सकता है। तो इसमें जैसे ये VA है ये VB है, VA बड़ा है VB छोटा है, एक काम करते हैं, VA अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होता है सबको पता है, तो माइनस आई आर, तो वी ए में से अगर माइनस आई आर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, वी बी, क्योंकि बीच में क्या पड़ रहा है, बीच में आई इन टू आर का डिफरेंस ही तो है, तो अगर मैं वी ए में से आई इन टू आर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वी बी, कोई डाउट इसमें, तो यहां से वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, आई इन टू आर, ये तो वही ओम लॉ हो गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई इन टू आर। बट आपको रूल लगाना आ रहा है, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, ये ज़्यादा बेटर एग्जांपल रहेगा आपके लिए, कैसे, मान लो अगर ऐसा डायग्राम नहीं गिवन, आपको ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें एक बैटरी भी लगा देते हैं, ये देखो सपोज करो क्वेश्चन में ये ए पॉइंट है, ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस है 2 ओम की रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है प्लस एंड माइनस, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, फिर से बैटरी है माइनस एंड प्लस, और ये क्या है वी बी, यहां पर क्या है वी ए, एक वी ए एक वी बी, राइट।
ये देखो, तो ये पॉइंट है ए, पोटेंशियल वी ए, पॉइंट है बी, पोटेंशियल है वी बी, राइट। तो ये बैटरी मान लो 5 वोल्ट की है, ये बैटरी मान लो 4 वोल्ट की है, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो ए से कहाँ जा रहा है, बी तक जा रहा है, ठीक है। कितना करंट जा रहा है, मान लो 7 एम्पियर का करंट जा रहा है। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी क्यों, क्योंकि करंट जा रहा है ए से बी, तो ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, वी ए से स्टार्ट करना है, वी ए सबसे हाई पोटेंशियल पे है, ए से बी पे जाना है। जब आप ए से बी पे जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये रूल क्लियर है यहाँ तक। तो वी ए में से क्या सब्ट्रैक्ट किया मैंने, माइनस आई इन टू आर, किरचॉफ लॉ तो यही बोलता है करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कर दें। फिर क्या आ गई, बैटरी प्लस से माइनस, हायर से लोअर, हायर से लोअर का मतलब माइनस 5 वोल्ट। फिर यही 7 एम्पियर का करंट किस में से जा रहा है, 3 ओम में, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस 3 × 7 आई इन टू आर। फिर उसके बाद माइनस से प्लस, हायर वोल्ट पे जा रहे हैं प्लस 4, तब जाके ये इक्वेशन बनेगी वी ए और वी बी। तो जब सारा कुछ हो जाएगा इक्वल टू वी बी हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, वी ए बी कैसे कैलकुलेट, वी ए से स्टार्ट करना है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेज है उनको एड सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर इसका आंसर किसके इक्वल कर देना है, वी बी। तो यहां से वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट। ये टर्म को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये राइट साइड पे यहां से आंसर आ जाएगा। टेक्निक समझ में आ रही है कि कैसे आपने वी ए और वी बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कोई डाउट इसमें, रूल समझ में आ रहा है कैसे लग रहा है इसमें, ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब यही रूल हम यहां असाइनमेंट पे लगाते हैं। देखो आप इस डायग्राम में जरा देखना, ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर मेरे को क्या करना है, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम के अंदर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और सी के बीच में। तो मान लो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट क्या है, सी। करंट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, पता नहीं क्या आंसर आया था इसका, आई हमने निकाला था ना अभी, कितना था, 1/4। ओके, करंट हमें पता है इसमें 1/4 एम्पियर है, राइट। ओके, मैं ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, मेरा करंट कहां जा रहा था, ए से सी, यानी कि ए इज एट हायर पोटेंशियल, सी इज एट लोअर पोटेंशियल। यू ऑलवेज स्टार्ट विद हायर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल कितना है, वी ए, वी ए। फिर बीच में क्या आ गई, बैटरी, बैटरी का कौन सा टर्मिनल, प्लस से माइनस। बैटरी की ईएमएफ क्या थी इसमें, पहली बैटरी की 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, तो प्लस से माइनस, तो माइनस 2, ठीक है। फिर इसकी रेजिस्ट, इसमें क्या जा रहा है, करंट, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई इंटू आर वन, ठीक है ना, वी ए माइनस ई वन माइनस आई इंटू आर वन, यहां पर क्या आ गया अब, वी सी। तो यहां से वी ए माइनस वी सी कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन में आई पता है, आर वन पता है आंसर। उसी तरीके से फिर से अब हम लगाते हैं बी और ए के बीच में, करंट कहां आ रहा है, बी से ए, तो विल स्टार्ट विद वी बी। वी बी करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस आई इंटू आर टू, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस ई टू इज इक्वल टू क्या पॉइंट आ गया, वी ए। यहां से वी ए, वी बी माइनस वी ए कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, राइट। तो ये देखो यही इसमें निकालना था, ये देखो, तो मैंने यही लगाया इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में वी बी और वी ए का रिलेशन निकाला, वी ए और वी सी का नहीं, जो मैंने इक्वेशन लगाई इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर आया। टेक्निक समझ में आ रही है आपको, आज की बात, कोई भी डायग्राम में कोई भी 2 पॉइंट अगर दे दे और उनमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोल दे, बस ये रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है,
आंसर शायद गलत भी हो सकता है, पता नहीं। 2.25 और माइनस टू, अब माइनस टू ही लिखा, बाकी तो लिखे हुए हैं इसमें, मालूम नहीं यार, यही है जो है, ये सही है। ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज ध्यान से देखें, एक बार रीड करें और समझें क्या है क्वेश्चन, फिर करते हैं सॉल्व।
ओके, इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले ये बताओ कितनी बैटरीज हैं? दो। पहली बैटरी प्लस और माइनस, दूसरी माइनस और प्लस। बोलो ये पैरेलल में है कि सीरीज में? दिख पैरेलल में रही है, है ये सीरीज में। वो क्यों? क्योंकि जो करंट आएगा, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट आगे इसमें भी जाएगा, तो करंट दोनों में एग्जैक्टली सेम है। डिवाइड कहाँ हो रहा है? हुआ ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक। पैरेलल में बैटरीज पता है कब होती हैं? पैरेलल में ऐसी होती हैं, ये देखो, एक बैटरी ये रही, एक बैटरी ये रही, इसका अपना करंट, इसका अपना करंट, फिर तीसरी वायर एक्सटर्नल में रेजिस्टेंस में करंट जाता है। ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सीरीज है। अब सीरीज के अंदर अगर मैं पूछूंगी इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी, तो ये देखो, प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो अगर मैं यहां से सीक्वेंस बनाऊं तो प्लस माइनस के बाद क्या आया? माइनस प्लस। तो ये बैटरीज सेम ऑर्डर में है कि रिवर्स ऑर्डर में है? रिवर्स में है। रिवर्स में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी? बड़ी ईएमएफ में छोटी ईएमएफ माइनस। तो बड़ी ईएमएफ कितनी है? 8, नहीं 20, छोटी कितनी है? 8। तो नेट ईएमएफ कितनी है? माइनस। तो ये स्टेप क्लियर है पहला? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। और टोटल रेजिस्टेंस में ये कितनी है? 1 ओम, ये कितनी है? 5 ओम, ये कितनी है? 2 ओम। और इन तीनों को पैरेलल में ज्वाइन करोगे 12, 6 और 4 को, तो आएगा 2। तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस बनेगी 1 + 5 + 2 + 2, सब सीरीज में। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहां पर? नेट रेजिस्टेंस 10 आ रहा है, 2, 1, 5 and 2। ठीक है, तो टोटल करंट क्या आएगा? टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट आ गया 1.2। पहला स्टेप क्लियर है टोटल करंट का? ठीक है यहां तक। तो टोटल करंट की वैल्यू आ गई। अब टोटल करंट में वो ये पूछ रहा है, जो टोटल करंट आया कितना आया? 1.2 एम्पियर आया। वो फर्दर इन तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि तीनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। तो ये ऐसा केस बनेगा, 12, 6 और 4 में डिवाइड हो जाएगा 1.2। देख रहे हो 1.2 आया, I1, I2, I3 में डिवाइड हो गया। अब वो पूछ रहा है कि I1, I2, I3 कैलकुलेट कर दो। अब क्योंकि ये पैरेलल में है, तो V की वैल्यू तीनों में क्या रहेगी? सेम। तो ओम लॉ लगाओ, इसमें V कितना है? I1 into 4, इसमें कितना है? I2 into 6, इसमें कितना है? I3 into 12 is equal to V, V remaining same। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां से I1 क्या होगा? V divided by 4, I2 क्या होगा? V divided by 6, I3 क्या होगा? V by 12। इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो करंट की रेशियो आएगी। मैंने ये इसलिए करके दिखाया ताकि आप ऐसा ना करें, ये इसलिए नहीं करके आप ऐसा करें, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये लंबा मेथड है। मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शॉर्टकट कराया था। क्या था? कि जो करंट है पैरेलल में, जो करंट डिवीजन होती है वो रेजिस्टेंस की डिवीजन से उल्टी होती है। जैसे I1, I2, I3 की रेशियो रेजिस्टेंस की उल्टी रेशियो के बराबर होगी। कैसे? R3 I1 is to I2 is to I3 is equal to I3 by R3 by R2 by R1। तो यानी कि I1, I2, I3 की रेशियो क्या होगी? 12:6:4। तो हम ये नहीं करेंगे स्टेप, हम सीधा शॉर्टकट ही लगाएंगे। अब रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम हो गई, टोटल करंट कितने हैं? 1.2, और करंट्स कैसे डिवाइड करने हैं? 12, 6 और 4 में। तो पहला हिस्सा क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 12, 6 और 4 इंटू 1.2। दूसरा हिस्सा कितना है? 6 अपॉन टोटल रेशियो का सम इंटू 1.2। और तीसरा हिस्सा 4 आंसर। तो I1, I2, I3 भी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? और अब आपको इसमें क्या निकालना है? आपको ये निकालना है, कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। तो इसकी ईएमएफ कितनी है? 20 वोल्ट। पर जब इसमें से करंट बाहर निकलेगा, क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस केस में इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या होगा? ऐसी सेम प्रॉब्लम इसकी, या 8 वोल्ट से कम आएगा या ज़्यादा आएगा वो आप देखें। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। हमने कैलकुलेट किया। इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहां पर ध्यान से देखें। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पॉइंट ये है कि जैसे सपोज, जैसे लेट अस सपोज आपके पास एक बैटरी है, ये देखो आपके पास ये एक बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है, ये भी क्लियर है। और ईएमएफ कितनी है?
कैपिटल ई है, कोई डाउट इसमें? राइट, इसके अंदर मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, जब अगर मैं इसमें सर्किट कंप्लीट भी कर दूं, जैसे मैंने एक कंप्लीट भी कर दिया ये देखो, तो करंट कहां से बाहर निकलेगा, बैटरी के कौन से टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है? पॉजिटिव, और किसमें एंटर करता है? नेगेटिव। तो ये करंट आया बाहर आए, तो मैंने आपसे ये पूछा इस बैटरी के टर्मिनल में वी बोलो क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? ई माइनस आई इंटू आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि हमने, ये ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, मैं अपना इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं इसमें। क्या करने वाला हूं, सपोज मैंने क्या किया, ये माइनस और ये प्लस, मैंने एक और बैटरी लगा दी, और या ऐसा कर लेते हैं, एक और बैटरी लगाएंगे इसमें, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे लगा देते हैं, ये लो। तो ये R1 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और ये EMF E2 है। ठीक, क्लियर है? अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इसको मिटा रहा हूं मैं एक मिनट। प्रॉब्लम ये है कि करंट कौन निकाल ले। पहली बैटरी ये बोलती है कि मेरा पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलेगा, और जितना करंट बाहर निकलेगा पॉजिटिव से, एंटर भी उतना ही करेगा, सही है रूल। दूसरी बैटरी भी ये बोलती है भी मेरा पॉजिटिव भी तो यहां पर है, मेरे पॉजिटिव में से करंट बाहर निकलेगा और घूम के करंट वापस सेम चाहिए मुझे। अब यहां तो झगड़ा हो गया ना, ये पॉजिटिव अगर यहां निकालती है, ये पॉजिटिव यहां निकाल, इलेक्ट्रॉन तो कंफ्यूज हो जाएंगे यार, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, वो बैटरी कह रही है उधर जा, वो कह रही है उधर जा, तो लड़ाई होगी ना, तो ऐसे कैसे बात बनेगी। तो यानी कि आपको एक बैटरी जो स्ट्रॉन्ग बैटरी होगी उसी की सुननी पड़ेगी। तो जो भी इनमें से बड़ी बैटरी की ईएमएफ होगी, मान लो ई1 बड़ा है ई2 छोटा है, तो आप करंट कहां से निकालेंगे फिर? बड़ी बैटरी की ही सुनेंगे, छोटी की नहीं सुनेंगे। तो जैसे मान लो ई1 इसमें बड़ा है, ई1 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि इसमें से करंट आया आए और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर गया। आपको ऐसा होता ही नहीं है, पर जब बड़ी बैटरी है तो छोटी को सुनना पड़ेगा, तो वो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि बड़ी बैटरी जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी है, वो उस पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट को पास करवा देगी। अगर E2 बड़ा होता फिर यहाँ से करंट बाहर निकलता, फिर E1 के अंदर एंटर करना था पॉजिटिव में से, क्लियर है? और सोचो अगर E1 E2 बराबर होते, और अगर बराबर होते फिर क्या होता, फिर ना इसकी ना इसकी, फिर कोई करंट जाना नहीं था, बात ही क्लोज हो जाती फिर तो, क्लियर है? फिर कोई करंट ना होता। ऐसे केस में ये बैटरी सीरीज में है और उल्टी कनेक्टेड है, एक सीरीज और एक उल्टी कनेक्टेड है, क्लियर है यहां तक? तो मान लो E1 बड़ा है E2 से, मैं लिख देता हूं यहां पर, मैंने अज्यूम किया है E1 इज ग्रेटर देन E2, तो ये डायग्राम क्लियर है सबको? पहले ये देखो, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, अब दूसरा पॉइंट समझो, क्या जब कोई बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट को बाहर निकालती है, ये नॉर्मल फिनोमेना है, ऐसी तो होता है, पॉजिटिव में से ही करंट बाहर निकलता है, ऐसा कब तक करेगी? बहुत देर तक करेगी, फिर उसको इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और करंट निकालना बंद कर देगी। हम बोलते हैं कि इस बैटरी की क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। तो बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, खाली हो जाएगी। लेकिन देखो इसके साथ उल्टा हो गया, खाली होने की बजाय इसको भरना शुरू कर दिया, क्योंकि खाली तब होती है जब पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलता है तो डिस्चार्जिंग होती है। लेकिन अगर पॉजिटिव टर्मिनल में बाहर निकलने की बजाय करंट एंटर करता है, हम बोलते हैं बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। सुने बैटरी चार्ज कर लो, तो बैटरी ऐसे चार्ज होती है, उसके पॉजिटिव में करंट को एंटर करवाते हैं। तो ये केस कौन सा है, चार्जिंग का। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो अब आपको यह भी ध्यान देखना पड़ेगा कि जब आपका कोई सर्किट आएगा उसमें करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव में कि बाहर निकल रहा है। अगर तो उसमें बाहर निकल रहा है फिर तो कोई टेंशन नहीं, वो तो पता ही है। फिर यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के क्रॉस कितने हैं, तो आप बोलेंगे ई वन इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर तो नॉर्मल केस है, इसमें कोई फर्क है ही नहीं, क्योंकि ये केस तो हम पहले भी करते आए हैं। लेकिन ये केस थोड़ा ना करते आए हैं जिसमें पॉजिटिव में एंट्री होती है करंट की, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल, वो पता है क्या होगा, ई टू प्लस
आई इंटू आर टू। याद रखना जब डिस्चार्जिंग होती है फिर तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई से कम आता है, लेकिन जब चार्जिंग होती है तो वो अपना इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही है और साथ में इसकी चार्जिंग का भी इफेक्ट आ जाता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से भी बढ़ जाता है, तो ई टू प्लस आई इंटू आर टू हो जाता है। अब ये ध्यान से देखना पड़ेगा, जिन क्वेश्चन में करंट पॉजिटिव में एंटर करता है, जिन क्वेश्चन में करंट एंटर करता है पॉजिटिव में उसमें प्लस आई आर, जिसमें बाहर निकलता है माइनस आई आर। जितने क्वेश्चन आज तक हमने किए टर्मिनल के उसमें पॉजिटिव में से हमेशा करंट बाहर ही गया। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें करंट एंटर भी करता है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन यहां पर वापस चलें, ये देखो अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये देखें इस डायग्राम के अंदर ये कौन सा टर्मिनल है नेगेटिव, ये कौन सा टर्मिनल है पॉजिटिव। करंट नेगेटिव में एंटर करके पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ई माइनस आई आर। आपको इसमें ई पता है, आई पता है और आर पता है, डन। लेकिन जब आप यहां देखेंगे ये करंट घूम के ये आया, किस में एंटर कर रहा है पॉजिटिव में और किससे बाहर निकल रहा है नेगेटिव में, तो यहां पर वी का फॉर्मूला क्या लगेगा, ई प्लस आई आर। समझ में आ रहा है यहां तक, एक में चार्जिंग हो रही है एक में डिस्चार्जिंग हो रही है, समझ में आ रहा है कैसे देखना है इसमें, ठीक है। ये करंट घूम के पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, जब पॉजिटिव में एंटर करता है तो प्लस, जब बाहर निकलता है तो माइनस। तो आप चेक करें यही पूछा उसने इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू बैटरीज, और मैंने भी यही किया, ऊपर वाली बैटरी में ई माइनस आई आर, नीचे वाली बैटरी में ई प्लस आई आर, आंसर। तो आइडिया क्लियर है इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करना है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, एक बार दोबारा समझा दो। मैंने ये बताया कि जो मैंने ये समझाया कि इसके अंदर अगर मान लो पॉजिटिव टर्मिनल में से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट बाहर निकल रहा है तो V का फॉर्मूला होगा E माइनस आई आर। अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता है तो V का फॉर्मूला होगा E प्लस आई आर, ये क्लियर है? यस सर। तो मैंने अपने क्वेश्चन में तो यही किया ना, ये देख लो, मैंने ये कहा कि मेरे इस क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल में से, ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, पॉजिटिव में से करंट बाहर निकल रहा है तो V का फॉर्मूला क्या लगेगा, E माइनस आई आर। वही करंट घूम के इस पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो यहां पर क्या फॉर्म लगेगा, E प्लस आई आर, क्लियर है? यस सर। बस इसमें वैल्यूज पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका केस है, एट्थ क्वेश्चन है। बस इसके बाद जो थ्योरी रिक्वायर्ड है वो हमने की नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको कोई डाउट इसमें? एनसीईआरटी की बुकलेट।